फैन वगैरह मेरा इंतजार कर रहा है। ओहो बस 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 मैं आने लगा आने लगा। 2 मिनट थोड़ा वेट करें थोड़ा। चैलेंज मेरा नासा वालिया नू वीरो कोई ऐसा जहाज बनावो पलका नू चमक दे आही पचावे पिंड राजपुर पाइया मां मेरी दे हथा दिया चौपड़िया खावा दिन टल दे नू टल दे नू दिन टल दे नू पिंड होवा तड़के उठ कैनेडा नू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। हाँ जी भाई थोड़ा आ गया। हाँ जी भाई, टाइटल से देख के आपको पता तो चल गया होगा आज की वीडियो जो सी। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप की। यू नो भाई आपका जा रहा है पाकिस्तान 6 साल के बाद। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 6 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਜੋਨਸ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮਾਰਾ ਜੋਨਸ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਟੂਰ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋਨਸ ਹੈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ करके फिर आपको अगला माहौल जो है अंदर चल के चेक करवाते हैं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इतनी देर आपको मैं थोड़ी सीन चेक करवाता हूँ क्योंकि जो कोरिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंचन एयरपोर्ट, वो आप ज़रा सीन चेक करें। फिर आपको मिलते हैं अंदर जा के थोड़ी देर के बाद। ओके लेट्स गो। चैलेंज मेरा नासा वालिया नू वीरो कोई ऐसा जहाज बनावो पलका नू चमक दे आही पचावे पिंड राजपुर पाइया मां मेरी दे हथा दिया मां मेरी दे हथा दिया नित पक्कियां चौपड़िया खा। ये देखें जब कोरिया में कोई फेमस आता है, लेकिन इतना कोई फेमस बंदा नहीं है, पता नहीं कौन है। देखो रश कितना है अभी। ओह माय गॉड, दुआ करो भाई भी आपका। ये कौन है यार, जिस चीज़ को पता है ये कौन है कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये कौन है यार। ओह माय गॉड, देखो सारे पागल हो गए वहाँ। अभी हम तो लाइन में लग गए हैं, लेकिन यार इसकी लाइन बहुत ही लंबी वाली लाइन है। तो मास्क तो पता है लाजमी है कोरिया के अंदर। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो है 10:20 की और अभी हो गए 8 बजे। सुबह हम निकले तकरीबन 6:30 बजे। आज भाई जो से आपको आज फुल इजी माहौल में आया हूँ, कच्चा बनाया पा गए हैं। थोड़ा चलने थोड़ा बोर्डिंग करवा के फिर आपको अगला माहौल चलाते हैं, क्योंकि अभी जो से नाश्ता करने भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा। ओके, हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था तो उससे सोचा कि थोड़ा ना पैक शैक करवा लेते हैं, क्योंकि ये कपड़े वगैरह जो से आपको पता है कोई पता नहीं होता। तो अभी इसको पैक करने का सिस्टम आपको दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे होती है कोरिया में। A few minutes later. Finally, अल्लाह के करम से आ गए अंदर यार। यकीन करो बहुत ही ज़्यादा खज्जल होने के बाद, जो बारिश इतनी और इतना ज़्यादा माहौल सी बाहर ना, फिर ना ख़राब होने वाला। उसके बाद पैकिंग वगैरह सामान करवाना बहुत ज़्यादा टाइम में लग गया सी। तो अल्लाह के करम ना हम आ गए हैं अंदर एयरपोर्ट के। तो अभी चलते हैं अंदर अपने गेट की तरफ। गेट जो उनसे हमारा है वो है 32 नंबर ना। तो गेट की तरफ चल के उसके उधर का माहौल चेक करते हैं। ओके जी, जहाज में बैठने का टाइम आ गया है फाइनली। काफ़ी अभी नई नई वाली जो हैं ना, वो
सब टीवी देख रहे हैं। A few hours later. अच्छा जी, फाइनली लगता है हमारा खाने वाला सिस्टम आ गया। अभी चेक करते हैं मेन्यू में क्या है। खाना आता है और उसको खाने को कहते हैं, सुबह से नाश्ता नहीं लिया, कोई चीज़ पानी तक नहीं पिया। और अभी भाई बता रहे हैं खाना आ गया। खाना जो उनसे प्रॉन्स का कुछ बना होगा आई थिंक, पता नहीं क्या है ये, ब्रेड वगैरह होगी, ये साथी है, बटर है इसके ऊपर लगा के खाने के लिए। चेक करते हैं क्या है माहौल। अच्छा जी, इसमें है चावल और प्रॉन्स कड़ी टाइप बना हुआ है, साथ में है वेज। और ये मटर खाते हैं खाना, और खाना खा के फिर आपको अगला माहौल चेक करते हैं। पोटैटो खा के देखिए आप। मज़ेदार ये। A few minutes later. फ्लाइट तो उन्होंने हमें कुकीज दी हैं कि ये कुकीज आप खा के अपना टाइम स्पेंड करो। और भाई साथ में मूवी देख रहा है इसको भी डांस। अभी जैसे हम बैंकॉक में पहुंचे हैं, इधर है 5 घंटे का स्टे। ओह माय गॉड, ओह गाइस अभी लैंड पे जलजला आ गया इधर। ओह हाँ जी, फाइनली पहुंच गए हम थाईलैंड में बैंकॉक। इस बैंकॉक बेबी गर्मी आ रही है, आके फील हो रहा है अभी ना, गर्मा गर्म हो लोग। अब चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बैंकॉक का जो सा एयरपोर्ट है वो कैसा होता है। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। जो ये पहुंच गया हम फिर एयरपोर्ट के अंदर, अब आ गए हैं जी। सारा क्लियर हो गया, चेकिंग वगैरह होगी। ये देखा ना पूरा इन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल का इधर बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं हम अपने गेट की तरफ और उधर चढ़ के अच्छी वाली सीट को ढूंढ के बाबा जी रेस्ट करते हैं या फिर पहले खाना खाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो उधर देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स नज़र आ गए, मैकडोनल्ड्स। तो अभी देखते हैं कुछ चीज़ खानी है या क्या करते हैं, माहौल चेक करते हैं। और ड्यूटी फ्री पे भी एक दफ़ा जा के माहौल चेक करते हैं। फाइनली जोन से अभी खाना खाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने इधर देखा मुझे मिला बर्गर किंग। और मैंने पूछा, वो कहते हैं कि बर्गर किंग जोन से ये है हलाल, माशाल्लाह जवजल हलाल बर्गर मिल गया इधर से। मैंने सोचा नहीं देखा था कि मुझे मिलेगा, बल मिल गया। मेरे के पीछे देख रहे हो ही सामने बर्गर किंग है। हम चलते हैं फटाफट उधर खाना खाने, और खाना खा के फिर आपको अगला माहौल चेक करवाते हैं। ओके लेट्स गो। मुझे ये जोन से ये वाला यार ज़रा स्टाइल प्यारा लग रहा है, इसको भी एक दफ़ा ना पहन के चेक करते हैं। ये कोई कह रहे हैं लेटेस्ट जोन सा आया वो है ना। ओह माय गॉड मैन, ये भी वाली बहुत ही हैंडसम लग रहा है भाई आपको, इसमें तो हैंडसम वाला स्टाइल लग रहा है बाबा जी। वो कहते ने मुंह सोना होना चाहिए, हर चीज़ सोनी लगती है। फाइनली जो से हमारा अब जहाज उड़ेगा पाकिस्तान के लिए, यार बहुत ही ज़्यादा वाली थकावट हो गई है। तो अभी चलते हैं फटाफट पाकिस्तान, और फिर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। लेट्स गो टू पाकिस्तान। हाय हाय जवानी, बैठ बैठ के कसम से कोई 4 से 4.5 घंटे की फ्लाइट है थाईलैंड से पाकिस्तान।
मत बाजी है, जिनको भी देना अच्छी वाली मत, वो वाली अच्छी वाली मत बाजी। अभी मैं आया वॉशरूम में, मैंने बोले इतनी देर के हम बैठे हैं, जो वॉशरूम में जाके थोड़ा बोल चेक करते हैं, वो भी सिस्टम क्या है। ऐसे इन्होंने टिश्यू पेपर दिया, ये ग्लास पता नहीं क्यों दिया है बाबा जी, इसके बाद हाथ धोने के लिए सूट में नीचे बाबा जी, जो भी काम करोगे जहाज के बैठ जाएगा, मैंने चिंता करो अंदर ही जाता, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया। आधे घंटे के बाद हम पाकिस्तान के सकते फाइनली जोन से आ गए हम पाकिस्तान में। अब लेते हैं जल्दी से अपना सामान, सामान ले के तो फिर जोन से बाहर निकल के माहौल चेक करते हैं, पता देते हैं सामान पहले।